अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 जो है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को समझाएंगे। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर हाइड्रोजन का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, जैसे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, इसी तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स जिसमें इसकी डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन है, जिसमें आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, इस तरह से मेटालिक हाइड्राइड्स, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह के ये सारे टॉपिक्स हैं। इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs हम इसमें पढ़ेंगे। ये तमाम MCQs जो हम मल्टीमीडिया के थ्रू आपको समझाएंगे, तो अब हम इसको मल्टीमीडिया के थ्रू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 जो है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को समझाएंगे। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर हाइड्रोजन का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, जैसे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, इसी तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स जिसमें इसकी डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन है, जिसमें आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, इस तरह से मेटालिक हाइड्राइड्स, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह के ये सारे टॉपिक्स हैं। इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs हम इसमें पढ़ेंगे। ये तमाम MCQs जो हम मल्टीमीडिया के थ्रू आपको समझाएंगे, तो अब हम इसको मल्टीमीडिया के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब आपने इन तमाम MCQs को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, समझने की कोशिश करनी है, और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं उनको ज़्यादा तवज्जो समझना है, ताकि अगर इस तरह का कोई आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाए, MCQs आ जाए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब हम देखते हैं हमारे पास MCQs नंबर 1 क्या है। नंबर 1 है द लाइटेस्ट नॉन एलिमेंट इज, देखिए एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन सा है, लाइटर कौन, लाइटेस्ट जो है वो हाइड्रोजन है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 पर आ जाइए, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कंटेन्स, कह रहे जो आम हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो और एक होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ठीक है, फिर उसके आइसोटोप्स हैं आगे, ठीक है, जैसे प्रोटियम के बाद ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम है, ये बात हो रही प्रोटियम की, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन ए। थर्ड पर आ जाएं, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1A बिकॉज, हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में क्यों प्लेस किया गया है, वजह क्या है, देखें जरा, आप देखें ऑप्शंस पर गौर करें, तो ये ऑप्शन जो है इट हैज़ NS1 कॉन्फ़िगरेशन, चूँकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। जब हम स्टडी करते हैं कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन है, कौन से ग्रुप में प्लेस किया जाए, तो उसको ग्रुप 1 में भी प्लेस कर सकते हैं, ग्रुप 7 में, ग्रुप 4 में, तो ग्रुप 1A में भी कर सकते हैं। क्या रिजेंबलेंस है, रिजेंबलेंस ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है हाइड्रोजन की और ग्रुप 1A की, ठीक है जी। उसके बाद इनकी ए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 पर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद H2SO4, ये ऑप्शन दिए हुए, कह रहे कौन सा रिएक्शन करता है H2SO4 से और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ये जिंक मेटल है, ये एक एक्टिव मेटल है, जैसे H2SO4 डायल्यूट के साथ रिएक्शन करता है, चूंकि ये एक्टिव मेटल है तो फौरन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पर आ जाएं, नंबर 5, हाइड्रोजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल, किस से रिजेंबल करता है जी, पॉजिटिव आयन बना रहा है, अल्कली मेटल, चूंकि अल्कली मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 पर आ जाएं, हाइड्रोजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन
टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन. इन दिस वे इट रिजेंबल्स हाइड्रोजन. इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और गेन कर क्या बनाता है, नेगेटिव एच आयन. तो इस तरह किससे रिजेंबल करता है, हैलोजन के साथ, ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ. ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 7 पर आ जाएं. हाइड्रोजन हैज मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी फॉर, किससे ज़्यादा रिएक्टिविटी है जी, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. हैलोजन्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ. ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी किसके साथ है, फ्लोरीन. ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 8, एसिडिफाइड KMnO4 इज डीकलराइज्ड बाय, कह रहे कि अगर KMnO4 एसिडिफाइड है उसको कैसे डीकलराइज कर सकते हैं, कैसे होता है, नेसेंट हाइड्रोजन. अगर नेसेंट हाइड्रोजन मिलाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन जो है हाल ही रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, उसको डिकलराइज कर देता है. ठीक है जी, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 9 पर आ जाएं. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम. तो जो ट्रीटियम है इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन एक होता है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 2. तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 10 पर आ जाए. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ड्यूट्रियम, कह रहे ड्यूट्रियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होता है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम. तो ये भी आइसोटोप है, कौन सा, ड्यूट्रियम. इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है. ठीक है, इसका मास 2 होता है. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 11 पर आ जाए. प्रोटियम इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, 1H1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 12 पर आ जाए. एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, बड़ा सिंपल है. 13 पर आ जाए. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस आर कॉल्ड, ये भी आइसोटॉप्स. ठीक है जी, 12 और 13 सेम ऑप्शन आंसर है. फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों में फ़र्क यह है कि दोनों के सवाल पूछने का अंदाज डिफरेंट, बात एक ही है, अंदाज डिफरेंट है. ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइसोटॉप. उसके बाद 14 पर, द नोटेशन ऑफ 1H1 यानी कि 1 लिखा हुआ है और H के ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है, क्या मतलब है, ये किसको बता रहा है, ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, कौन सा, ट्रीटियम, मास 3. ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, मास 3, तो ट्रीटियम, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. 15 पर आ जाए. द एग्जिस्टेंस ऑफ हैवी हाइड्रोजन वॉज सजेस्टेड बाय, कह रहे हैवी हाइड्रोजन को किसने सजेस्ट किया जी, किस, कैसे पता चला, नहीं मतलब ये है कि आइसोटोप का कैसे पता चला, अब सिंपली आप ये कह सकते हैं, तो ये रदरफोर्ड ने पता चलाया. ठीक है जी, उसके बाद नहीं, ऑप्शन सी. 16 पर आ जाइए. द फार्मूला ऑफ हैवी वाटर इज, हैवी वाटर का फार्मूला क्या है, हैवी वाटर का फार्मूला है बी ऑप्शन, D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड. हैवी आइसोटोप इस्तेमाल होता है इसमें हाइड्रोजन का. ठीक है, 17 पर आ जाए. द एटॉमिक मास ऑफ ट्रीटियम इज, ट्रीटियम का एटॉमिक मास क्या होता है, पहले 2-3 बार आ चुका है. ठीक है जी, एटॉमिक मास का 3 होता है, सी ऑप्शन. 18, ड्यूट्रियम इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, कैसा आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं. नंबर 19, द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च गिव्स अ टेम्परेचर बिटवीन, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च जो है उसका जो टेम्परेचर होता है, जिससे फ्लेम बनता है, कितना टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर होता है 4000 से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक. ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 20 पर आ जाए. कमर्शियल हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन, हाइड्रोजन को कमर्शियल तरीके से स्टीम के साथ रिएक्शन किसका करवाना जी, मार्श कोल, तो मार्श गैस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 21, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन इज नोन एज, हाइड्रोजन जब लिबरेट होती है, फॉर एग्जांपल आपने जिंक और HCl का रिएक्शन करवाया, तो उस वक्त जो हाइड्रोजन निकलेगी वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, नेसेंट हाइड्रोजन.
अपनी लिबरेशन के रेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन पैदा होती है, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन, सी ऑप्शन। 22 पर आ जाए, द हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के ब्रेक होने से जो हाइड्रोजन मिलती है उसको एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है, बी ऑप्शन। 23 पर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हेन सोडियम इज प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर, कह रहा हम पानी का जो है पानी को बीकर में लेते हैं उसमें सोडियम डालते हैं तो फिर क्या होता है, ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है प्रोड्यूस होती है, वाटर बिकम वार्मर, बिल्कुल सही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पानी गर्म भी होगा, सोडियम डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा जब रिएक्शन कर देगा, वाटर बिकम्स एसिडिक, नहीं एसिडिक नहीं होगा बेसिक होगा, बेस बनेगा एसिड नहीं बनेगा, बी टी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो ये वाला डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वाटर बिकम एसिडिक ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 24 पर आ जाए, एन हाइड्राइड आयन एंड हीलियम एटम हैव सेम, कह रहे हीलियम में और हाइड्राइड आयन में क्या चीज़ सेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हैं तो क्या चीज़ सेम हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 25 पर आ जाए जी, द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड लाइक लाइक ग्रुप 4A, ठीक है, जब हम हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं कि उसका पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के साथ क्या रिजेंबलेंस है, तो हाइड्रोजन की ग्रुप 4 के साथ क्या रिजेंबलेंस है कि ग्रुप 4 के साथ जो है इसकी ग्रुप 4 के एलिमेंट भी हाफ फील्ड है और हाइड्रोजन भी हाफ फील्ड है। 26 पर आ जाए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर कंटेनिंग अ लिटिल एसिड इट लिबरेट्स हाइड्रोजन व्हेन व्हिच इज कलेक्टेड, कह रहा है कि जब हम किसी जो पानी के अंदर हम क्या करते हैं एसिड डाल देते हैं और फिर उसमें से करंट पास करते हैं तो क्या होता है हाइड्रोजन बनती है, और किस कहाँ पर बनती है, सेल के अंदर बनती है कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस तरफ आएगी कैथोड की तरफ आएगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 पर आ जाइए, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड, कि सब्सटेंस की ऑक्सीजन को रिमूव करना, तो ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, तो ये एबिलिटी क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब रिडक्शन, डी ऑप्शन। 28, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर वेरी हॉट कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन एक्ट एज, हाइड्रोजन क्या करता है कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 29, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कोल्ड वाटर विद, कोल्ड वाटर को जब हम क्या करते हैं क्या करते हैं हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कोल्ड वाटर विद, किससे रिएक्शन करवाते हैं जी, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल को अगर आप पानी में डालते हैं, अगर पानी आप पे एक बीकर में ले उसमें सोडियम डालें, जैसे सोडियम मेटल डालेंगे तो सोडियम फॉर्म रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है जी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 पर आ जाइए, हाइड्राइड्स विच हैव नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन आर कॉल्ड, वो हाइड्राइड्स जिनकी कंपोजिशन नॉन स्टोइकोमेट्रिक होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मेटैलिक हाइड्राइड कहते हैं, बी ऑप्शन, इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। 31 पर आ जाए, हाइड्रोजन इज यूज टू सपोर्ट बर्निंग एज पार्ट ऑफ फ्यूल गैस इन एन एक्सप्लोसिव कूलिंग एजेंट, तो इसको फ्यूल गैस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32, देर आर टू नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स एंड वन आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, कह रहे दो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है हाइड्रोजन के, तीसरी आर्टिफिशियल बनाया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स, बी ऑप्शन। 33, इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस द परसेंटेज ऑफ प्रोटियम इज, कह रहे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, जो जिसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम में कितना हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है जी प्रोटियम में 99.98%, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद 34 पर आ जाइए, द बाइनरी कंपाउंड
of hydrogen with transition elements are called. कह रहे कि अगर हाइड्रोजन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, मेटैलिक हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है जी, इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, सी ऑप्शन. 35 पर आ जी, हाइड्राइड्स विच हैव सॉल्ट लाइक करैक्टर आर कॉल्ड. कौन से हाइड्राइड के सॉल्ट लाइक होते हैं जी, आयनिक हाइड्राइड्स को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहते हैं जी. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 36, व्हेन एडिबल ऑयल इज हीटेड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इट इज सॉल्टिफाइड, दिस प्रोसेस कॉल्ड. जब हम क्या करते हैं, एडिबल ऑयल में हाइड्रोजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन. निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम हाइड्रोजन मिक्स करते हैं, ऑयल के साथ घी बनाते हैं, तो ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन, बी ऑप्शन. 37, हाइड्रोजन इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ. कमर्शियली किसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से मिलता है जी, CH4, मीथेन, मार्श गैस, नेचुरल गैस, डी ऑप्शन. 38 पर आ जाए, विच गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में गैसेस दी हुई हैं, इनमें से जो हाइड्रोजन गैस है वाटर में इनसॉल्युबल है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. 39 पर आ जाए, हाइड्रोजन गैस गेट्स एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ. कह रहा है हाइड्रोजन गैस जो है एब्जॉर्ब होती किसके सरफेस पे, प्लैटिनियम, बिल्कुल प्लैटिनियम पर, बोरोन नहीं, निकल जी. तो प्लैटिनियम और निकल दोनों के सरफेस पर ये एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, तो लिहाजा प्लैटिनियम और निकल ये दोनों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 40 पर आ जाए, द बॉन्ड इस एसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल इज 104 किलो कैलोरी पर मोल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी. उसके बाद 41 पर आ जाए, द हाइड्राइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7 विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड. कह रहा है जो कि वो हाइड्राइड जो कि इन ग्रुप के साथ बनते हैं मिलकर, वो हाइड्राइड्स क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स. 41 ऑप्शन में जो सॉरी 41 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 42 पर आ जाए, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो है बेसिकली जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 3 के हाइड्राइड्स मिलकर बनाते हैं हाइड्राइड्स, वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं. तो ग्रुप 1 और 3 के हाइड्राइड्स जो हैं ये लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड उन्हीं की एक एग्जाम्पल है, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, ठीक है जी, चूँकि इनमें ऑल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 43, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट. कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी हाइड्रोजन की, 2.1, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोजन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ विच बल्ब फिलामेंट्स. कौन से जो है बल्ब फिलामेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस को, टंगस्टन, ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 45, द फार्मूला ऑफ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड. ठीक है स्टूडेंट, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड का फार्मूला क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 46, आप देखिए टाइटेनियम इसके साथ हाइड्रोजन है फ्रैक्शन में, कि किसकी एग्जांपल है इस तरह किस, ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, तो ये कौन से हाइड्राइड है, मेटैलिक हाइड्राइड, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. 47, हैवी वाटर इज यूज्ड एज, हैवी वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एज अ मॉडरेटर, डी ऑप्शन. 48, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स. तो कह रहे कि हाइड्रोजन जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल इज, पहली इट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इन्फिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, रिड्यूसिंग करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर. तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल्स क्या हैं, अल्कली मेटल्स जो हैं वो मेटल्स हैं, तो दैट्स तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये वो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की जो इसको अल्कली मेटल से अलग करती है, ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 49, द कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज, एटॉमिक हाइड्रोजन को
ऑर्डनरी हाइड्रोजन, जो जब हाइड्रोजन आइटम मिलते हैं मिलकर एच टू गैस बनाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, इवन कि इन फॉर्म ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 50 हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप जो है 4A, 4A के हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के हाइड्राइड्स, फिर ग्रुप नंबर 4K, फिर 5K, तो ग्रुप नंबर 5K बेसिक होते हैं, उसके बाद एसिडिक होते हैं, उससे पहले बेसिक होते हैं, तो ग्रुप 4K बारे में हम कहते हैं कि कैसे होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है जी। तो ये हाइड्राइड जो हैं ये न्यूट्रल हाइड्राइड्स हैं, सी ऑप्शन। 51 वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक एट, कह रहे कि हम जब रेड हॉट कोक से स्टीम पास करते हैं तो किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। 52 मीथेन को जब डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन बनते हैं और एक और एलिमेंट बनता है, वो कौन सा एलिमेंट है जी, बड़ी आसान सी बात है, नज़र आ रहा है, कार्बन, कार्बन, या ए में क्या आएगा, कार्बन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 53 नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर, नाइट्रोजन गैस कौन से टेम्परेचर लिक्विफाई हो जाती है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन। स्टूडेंट ये थे सारे MCQs जो मैंने आपको समझा दिए हैं, अब उसके बाद आपके सामने आंसर की मौजूद है। इस आंसर की में एक बात बतानी है कि जो 33 आपको नज़र आ रहा है, 33 ऑप्शन, इसका आंसर बाय मिस्टेक यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है जी। 33 में यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, ये मैंने वहाँ आपको समझा भी दिया था, ये दोबारा बता दिया आप लोगों को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ठीक है, और बाकी तमाम MCQs का स्क्रीनशॉट बना लें, और उसके बाद आप इनको अपने पास सेव कर लें ताकि आप इसको बाद में रिवाइज़ कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 3 के MCQs करवाएंगे।